आप सभी का मंगल हो। सभी नव विवाहित जोड़ों से मेरा अनुरोध है कि भगवान ना करे किसी प्रकार से कोई गंभीर बात हो, तब कहीं जाके आप किसी अपने पियर स्त्री अपने पियर में बताए, ठीक है ना, और बेटा अपने माँ बाप या बहन भाई किसी को भी बताए। लेकिन इससे पहले कोई भी तीसरे व्यक्ति को भी आप किसी को भी बताते हो घर अपने अपने घर के अंदर, तो उससे क्या होता है, संबंधों में खटास आती है। और कई बार ये भी होता है कि अगर पत्नी ने अपनी जन्मदिन वाली माँ को बात ना बताकर किसी और को बताई, वो क्या कहते हैं, किसी भी रूप में हो सकती है, अंकल आंटी मामा मामी चाचा चाची, कोई भी रिश्ते में, मतलब भाभी अगर कोई भी हो सकती है, या सहेली हो सकती है। इसी अगर पति का भी यही होता है, वो केवल अपने दोस्त से सलाह ले रहा है या और किसी से ले रहा है, अंकल आंटी से, जो भी बगैर रिश्ते रिश्ते, ठीक है ना। होता क्या है, तीसरा व्यक्ति तो वैसे भी आपको ज़्यादा वो नहीं करेगा, वो तो अर्थ का अनर्थ निकालेगा, भाव अलग निकालेगा, आपके घर के अंदर दखलंदाजी उसकी शुरू रहेगी, दबाव बना के रखेगा आप पर, और बार बार आपको कुरेद कुरेद के पूछेगा, ये भी समस्या है। हालांकि ये सब स्थितियाँ क्या कहते हैं, अपने खुद के घर वाले भी ऐसे ही करते हैं, अगर हम घर वालों को बहुत ज़्यादा बातें बताना शुरू कर दो तो। याद रखिए आप लोग, सोल्यूशन भी आपको ही निकालना, अगर जीवन भर साथ रहना है तो ये याद रख लीजिए, हंस के रहिए रो के रहिए, सोल्यूशन आपको ही निकालना है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। बजाय किसी तीसरे को बीच में लेने के, इधर उधर बात करने के, कोई मतलब नहीं बनता कि हर व्यक्ति अपने जीजा को जीजी को बहन को या भाई को भाभी को या किसी को भी रिश्ते में माँ को किसी को बता रहे। और बहुत ज़्यादा कोई गंभीर हो तो पहले अपनी अपनी माँओं से बात करो, उसके बाद ये चलिए, तब जाके कहते गृहस्थी के अंदर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल कामना उसका।